नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर पर बिहार स्पेशल चर्चा में आपका स्वागत है। बिहार में कई सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, कई सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, और इन सब पर नजर डाले तो एक बात तो साफ साफ दिखाई देती है, ना तो ये 2014 है और ना ही 2019 है। जनता में वोटों को लेकर कोई खास उत्साह नहीं है, इलेक्शन को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, और बिना उत्साह के नरेंद्र मोदी की नैया पार नहीं लगनी है। और इससे भी आगे बढ़कर बात करें तो जनता एक बार फिर से चुनावी हिंदुत्व के उन्माद से, 10 साल उन्माद से बाहर निकलकर, 10 साल के, 1 दशक के उन्माद से बाहर निकलकर समीकरणों की सियासत में उलझती हुई दिख रही है। इसका बिहार की राजनीति पर क्या परिणाम पड़ेगा, क्या परिणाम होगा? और इन सब के साथ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच जमीन पर कितना कोऑर्डिनेशन है, किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जमीन पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, दोनों कितना एक साथ जुड़ी हुई है, इसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल तो महागठबंधन पर यानी इंडिया गठबंधन पर लंबे समय से उठ रहे हैं, लेकिन यहां तो सवाल लाजमी है कि उठना तय है, क्योंकि कई सारे ऐसे संदेशे मिल रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच कई स्तरों पर कुछ अंदरूनी साठ गांठ की भी संभावना हो सकती है। क्या है इसका असर और कैसे इस चुनाव पर इन तमाम अफवाहों चर्चाओं का असर पड़ेगा, इन सब पर आज हम ऋषि मिश्रा जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि इस बार एक तो गर्मी कहा जा रहा है कि जो 2014 और 19 में सीधी गर्मी थी वो गर्मी नहीं है, बल्कि इस बार वो हीट वेव में दिखाई दे रही है। और हीट वेव जब दिखाई दे रहा है तो उस हीट वेव में इस चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? पोलिंग परसेंटेज में कितनी गिरावट की संभावना आपको दिखाई दे रही है? देखिए, ये बात सही है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस बार गर्मी काफी पड़ेगी। और आप देखिए, अप्रैल का फर्स्ट वीक चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब लू टाइप की जो हवा होती है उस प्रकार का मौसम है बिहार का। और हम लोगों ने उस दिन भी इस बात की चर्चा की थी, अभिषेक जी आपको याद होगा, जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनावों को लेकर डेट की घोषणा की थी कि क्या जो 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 चुनाव पांचवे फेज में, जो छठे और सातवें जो फेज में जो चुनाव होंगे, जो मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में होंगे, आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, खासकर महिलाओं को और बुजुर्गों को। तो आप ये चुनाव आयोग के लिए चुनौती है। और इसमें मुझे लगता है कि जो लोग जो चाह ना चाह के भी मतलब क्या कहते हैं पोलिंग बूथ पे नहीं जा पाते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग, तो उनके लिए चुनाव आयोग ने व्यवस्था भी किया है कि यदि कोई बुजुर्ग वोटिंग स्थल जाने में यदि असमर्थ है तो उनको ये चुनाव आयोग ने व्यवस्था किया है कि जो चुनाव आयोग की जो टीम होगी वो उनके घर पर जाके उनका मतदान कराएंगे। देखिए, लेकिन गर्मी के साथ साथ जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है उनमें भी गर्मी दिखा जा रहा है, गर्मी देखा जा रहा है। और गर्मी कितना मतलब परस्पर संबंधों को प्रगाढ़ करता है ये देखना होगा, आप जान जाइए। प्रगाढ़ करने की बात तो आप कर रहे हैं कि परस्पर संबंधों को कितना प्रगाढ़ करता है, एक बात हमें बताइए आप, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बकौल नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, बकौल नीतीश कुमार हम बात करें तो वो नीतीश कुमार की मूर्खता से मुख्यमंत्री बने थे, विधानसभा में उन्होंने बात कही थी, और आज क्या नीतीश कुमार की मूर्खता से वो सांसद भी बनेंगे? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, सबसे अधिक हॉट सीटों में है उनके इलाके में, देखिए हॉट सीटों में है वो गया भी है। और गया में देखिए, जीता राम मांझी जो है नीतीश कुमार के तुलना में बीजेपी के ज्यादा करीब है। और आपने देखा भी होगा कि जिस उस जीताराम मांझी जो 2014 में, यदि मैं सही हूँ, तीसरे नंबर पे थे गया लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पे थे, और कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद आपने देखा कि किस प्रकार के दोनों
नेताओं के रिश्ते रहे हैं। नीतीश कुमार को मजबूरन फिर जीताराम मांझी को हटाना पड़ा और परिस्थितियां ऐसी आई है, एक बिहार के एक नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था राजनीति जो है परिस्थितियों का होता है और नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम है, तो राजनीति में परिस्थितियों का अपना महत्व होता है कि आज देखिए कि उसी जीताराम मांझी के लिए नीतीश कुमार प्रचार करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे वो हम का कार्यकर्ता हो, जेडीयू का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, लोजपा का कार्यकर्ता हो, इन सभी लोगों में कितनी बॉन्डिंग है, कितना कोऑर्डिनेशन है, शीर्ष लीडरशिप ने हाथ मिला लिया है, क्या कार्यकर्ताओं ने हाथ और दिल दोनों मिला लिया है, मैथमेटिक्स तो दिख रही है, क्या केमिस्ट्री है या रिलेशन में अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो राजनीति में मैथमेटिक्स के अलावा ये हम जोड़ ले, मैं एक लाइन कंप्लीट कर लू। मैथमेटिक्स में होता है कि 2+4 6 हो जाते हैं, लेकिन उस 6 को उतारने के लिए यानी 6 को सफलतापूर्वक उतारने के लिए मिस्ट्री की जरूरत, केमिस्ट्री की जरूरत होती है, बॉन्डिंग की जरूरत होती है। वो मुझे लगता है कि एनडीए के जो घटक है उसमें कई ऐसे सीट है, यदि आप मुझसे बारी बारी से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, जहां भाजपा जेडीयू कार्यकर्ताओं में वो बॉन्डिंग देखनी चाहिए वो नहीं है, जेडीयू लोजपा के कार्यकर्ताओं में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो नहीं है, कई ऐसे सीट है जहां जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बेटे और बेटियों के बीच टकराहट है। तो इन चीजों को आपको देखना होगा, इन चीजों को कैसे ये लोग टैकल करते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जी आप कुछ सवाल कर रहे थे। जी भाई आपने दो मंत्रियों की टकराहट की बात की और जेडीयू और बीजेपी के बीच कितनी ज्यादा बॉन्डिंग है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उस टकराहट को आप कैसे उस परिस्थिति में देखते हैं जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार के दुलारे मंत्री की दुलारी बेटी संभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी, वो नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की छवि चमकाने की जिम्मेदारी जिन मंत्री के पास है, आईपीआरडी मिनिस्ट्री यानी सूचना जनसंपर्क मंत्रालय, उस विभाग के मंत्री के बेटे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और उस सीट पर पूरे बिहार में पासवान समुदाय की तादाद सबसे ज्यादा बताई जाती है, जहां से महेश्वर हजारी यानी आईपीआरडी मिनिस्टर के बेटे, उनके महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी ने कांग्रेस की सदस्यता ली है और ये चर्चा चारों तरफ चल रही है कि सनी हजारी समस्तीपुर लोकसभा सीट से संभवी चौधरी यानी अशोक चौधरी की बेटी का मुकाबला करेंगे। वंशवाद का एक बेहतरीन नमूना, एक तरफ मंत्री जी की बेटी, एक तरफ मंत्री जी की पोती, एक तरफ मंत्री जी का बेटा, एक तरफ मंत्री जी की पोती, पूर्व मंत्री की पोती, तो एक तरफ पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद का पोता, रामसेवक हजारी के पोते और महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, वही संभवी चौधरी महावीर चौधरी की पोती और अशोक चौधरी की बेटी, किशोर कुणाल की बहू, इसमें एक और नाम जुड़ जाता है। किस तरह से वहां पर आप चुनावी गठबंधन को, चुनावी लड़ाई को दोनों परिवारों के बीच, नीतीश कुमार के दो मंत्रियों के साहबजादे और साहबजादियों के बीच देख रहे हैं? देखिए इसका असर मुझे लगता है कि जेडीयू के इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी पड़ेगा। दोनों नीतीश कुमार के काफी करीबी है। महेश्वर हजारी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देके नीतीश कुमार ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया था। खबर ये भी थी कि महेश हजारी नाराज है, वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं, इसी एवज में उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। और लेकिन उनकी इच्छा ये भी थी, उन महेश हजारी पहले लोजपा से ही प्रयासरत थे, लेकिन जिस प्रकार से इस लड़ाई में, टिकट की लड़ाई में, खासकर लोजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से महेश हजारी को अशोक चौधरी ने पटकनी दी है, अशोक चौधरी और जो कुणाल साहब हैं उन दोनों के संयुक्त प्रयास से अशोक चौधरी की पुत्री यानी और कुणाल किशोर कुणाल की पुत्रवधु को टिकट मिला है। लेकिन महेश हजारी के समस्तीपुर के राजनीति में, खासकर लोकसभा चुनाव के राजनीति में उतरने के बाद मुझे लगता है कि समीकरण और फिजा बदलती हुई दिख रही है। और जो सनी हजारी है एक मजबूत उम्मीदवार है, आपने बिल्कुल सही कहा, पासवान समाज की बहुलता है वहां पे। और मैं आपको एक इंटरनल खबर ये बता दूं पर्दे के पीछे की जो डेवलपमेंट है वो बता दूं, सनी हजारी को पशुपति पारस और जो वर्तमान सांसद हैं वहां के, उनका भी सपोर्ट इनडायरेक्ट रूप से है। हालांकि वो अपने आप को एनडीए में बताते हैं,
उन्होंने नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात करके उन्होंने कहा, बजाबते ट्वीट किया कि वो एनडीए में है, लेकिन जो समस्तीपुर से वर्तमान में रामचंद्र पासवान के बेटे, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, यदि आपको याद हो आपसे की तो नाम बताइए प्लीज, प्रिंस राज और ये जो पशुपति पारस है उनका इनडायरेक्ट रूप से सनी हजारी को सपोर्ट है। और आप दर्शकों को बता दूं, सनी हजारी यानी महसा हजारी के पिता और महसा हजारी के पिता के भी पिता रामसेवक हजारी रामविलास पासवान परिवार के संबंधी लगते हैं, रिलेशन में लगते हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रिंस पासवान है या क्या कहते हैं पशुपति पारस है, ये नहीं चाहते हैं कि लोजपा का उम्मीदवार वहां चुनाव जीते। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। जेडीयू में भी दो फार होने की संभावना है, क्योंकि रामसेवक हजारे भी बड़े नेता हैं, अशोक चौधरी भी बड़े नेता हैं, और आपको मैं बताऊं कि दोनों नीतीश कुमार के करीबी हैं। आप नीतीश कुमार को कैसे हैंडल करते हैं? सो महसा हजारे के लिए भी किंग कर्तव्य विमूढ़ सा स्थिति है कि खुद जेडीयू कोटे से मंत्री है, जेडीयू के बड़े नेता है और जेडीयू एनडीए के हिस्सा है, और एनडीए के प्रत्याशी अशोक चौधरी यानी जेडीयू की बड़े नेता अशोक चौधरी की पुत्री है। तो क्या अशोक चौधरी के पुत्री के लिए प्रचार करेंगे या महसा हजारे अपने पुत्र के लिए प्रचार करेंगे? क्या गठबंधन धर्म को निभाएंगे या पिता एक पुत्र के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? बड़ा एक मतलब कॉम्प्लेक्स स्थिति समस्तीपुर में मिल रही है। लेकिन सनी हजारी के उतरने से जो समस्तीपुर का जो मुकाबला है बड़ी रोमांचक है, और यदि सनी हजारी को पार्टी प्रत्याशी बनाती यानी कांग्रेस, तो एज में मानता हूं सनी हजारी को रहेगा। जी, सनी हजारी से और समस्तीपुर से आगे निकले तो एक खबर जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में भी अपुष्ट सूत्रों से आ रही है। कहा जा रहा है कि मुंगेर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, खासकर कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, संघ के कार्यकर्ता होते हैं, जो डिवोटेड भाजपाई हैं, वो ललन सिंह के साथ के उनके कैंपेन में घूम नहीं रहे हैं। कल कई पंचायतों, कई इलाकों का ललन सिंह ने दौरा किया और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ललन सिंह के साथ वहां बीजेपी के लोग दिख नहीं रहे हैं। क्या कारण है? अंदर खाने कौन सा खेल चल रहा है? देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि ललन सिंह वो प्लेयर रहे हैं, जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे और महागठबंधन में शामिल हुए थे, उसमें ललन सिंह का बहुत बड़ा रोल था, और इस डेवलपमेंट को शायद ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी पचा पाए होंगे। हालांकि उन्होंने इस दूरियों को कम करने के लिए, ललन सिंह ने कुछ दिन पहले आपको याद होगा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी, लेकिन वह गर्माहट, क्या वो जो दूरियां बनी थी वो कम हो पाई है? क्या कार्यकर्ताओं में ललन सिंह को लेकर, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ललन सिंह को लेकर क्या अप्रोच है? और ये ग्राउंड पे दिखता भी है। ललन सिंह के आप पूरे प्रचार अभियान को देखेंगे तो नीरज सिंह जो जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, वही गाये बगाये उनके साथ होते हैं। बीजेपी के किसी बड़े नेता को आपने नहीं देखा होगा। सवाल उठता है कि मुंगेर लोकसभा में क्या प्रधानमंत्री ललन सिंह के लिए प्रचार करने आएंगे? क्या संघ का जो कैडर है ललन सिंह के साथ दिखेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा मोकामा बाई इलेक्शन में एक लोकल जो बाहुबली है ललित रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो मोकामा के रहने वाले हैं और सूरज भान के दूर के रिलेशन में भी लगते हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए थे बाई इलेक्शन में, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ी थी। वो ललन सिंह जो है इस बार जो जेडीयू के ललन सिंह है उनके विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा उन्होंने ठोक दिया है। क्या इनडायरेक्ट रूप से सूरज भान सिंह का सपोर्ट है? क्योंकि बिना सूरज भान सिंह के अनुमति के ललन सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो सूरज भान सिंह को यदि आप मोकामा और मुंगेर में मैनेज नहीं करते हैं, ललन सिंह चुनाव लड़ते हैं, और नवादा में कहते हैं मुंगेर में कांटे की लड़ाई है, वहां आपने देखा कि अशोक माथुर की पत्नी को टिकट दिया गया है, पिछड़ा और आगरा का चुनाव है। हालांकि ललन सिंह को एक बड़े बाहुबली का सपोर्ट मिल रहा है, अनंत सिंह का सपोर्ट मिल रहा है, उनकी पत्नी ललन सिंह के साथ हर जगह आप चुनावी प्रचार में आप ललन सिंह की पत्नी नीलम देवी को देख रहे होंगे। लेकिन जब तक सूरज भान का भी अपने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में एक प्रभाव है, उनकी पत्नी सांसद रही है 2014 में, तो ये चीज देखना होगा वो कैसे मैनेज करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता कितना एड ऑन होते हैं, कितना बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो इनके साथ जेडीयू के साथ क्लब होती है,
और मुंगेर उन सीटों में से है जहां जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं में रिफ्ट देखने को मिल रहा है और इसका नुकसान ललन सिंह को उठाना पड़ सकता है यदि जल्द से जल्द इस पे काम नहीं किया गया तो। जी जी, ललन सिंह से आगे बढ़ते हैं, चूंकि आपने उस संबंधों का, उस राजनीतिक संबंधों का जिक्र किया जो जिसके लिए ललन सिंह को कई सारे लोग अलग अलग तरीके से उनका मूल्यांकन करते रहे। हम ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं करते, हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि ललन सिंह जदयू के अंदर किस खेमे के हैं किस खेमे के नहीं है, हमारा ये दूर दूर तक कोई पूर्वाग्रह नहीं। देखिए अब से देखिए आप सुन लीजिए मेरी बात, आप पत्रकार हैं, ये स्पष्ट है कि जेडीयू में दो खेमा है, एक खेमा बीजेपी को पसंद करती है, एक खेमा है जो क्लियर है। आज देखिए जो बीजेपी के साथ जो नया रिलेशन बना है, बीजेपी एनडीए खेमा में नीतीश कुमार लौटे हैं, उसमें संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी तमाम ऐसे नेताओं का बड़ा रोल है। और जब एनडीए से जब बाहर गए थे, राजद के साथ शामिल हुए, तो उस समय ललन सिंह का बड़ी भूमिका थी, यह स्पष्ट है। तो इसमें एक बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है, मुस्तफापुर वाले नेताजी कहाँ है, भूतपूर्व आईएएस आरसीपी सिंह आजकल कहीं दिख नहीं रहे हैं, भाजपा में गए, नीतीश कुमार उधर ही पहुंच गए, अब वो कहीं दिख नहीं रहे। देखिए उसका कारण है नालंदा से जेडीयू खाते में है, और जेडीयू की जब एनडीए में एंट्री होती है तो भी आरसीपी सिंह प्रासंगिक नहीं रह जाते हैं। और आप बता दीजिए कुर्मी बेल्ट नालंदा के अलावा कहाँ है जहाँ से आरसीपी सिंह को चुनाव लड़ा जा सकता हो, और प्रचार अभियान में इसलिए ना तो वो प्रचार अभियान में इसलिए पक्ष में दिख रहे हैं ना एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं, वो कहाँ अंतर ध्यान है किसी को पता नहीं चल रहा है। अब आरसीपी सिंह ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना बीजेपी के उनको उपयोग कर पा रही है ना नीतीश कुमार उनको देखना चाहते हैं, ये है, ये क्लियर पिक्चर है। और नालंदा तो जेडीयू के खाते में है, यदि बीजेपी के खाते में होती तो आरसीपी सिंह कहीं बीजेपी उनके दाव लगाती, लेकिन और नीतीश कुमार जब एनडीए में लौट आए हैं तो आरसीपी सिंह की क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी को। जी आरसीपी सिंह की बात की, खैर आरसीपी सिंह फिलहाल इस चुनाव में चर्चा का विषय नहीं है, यूं ही पूछ लिया। एक चर्चा होती है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच अंदर खाने कुछ सहमति हो सकती है, कई सारे लोग कहते हैं कि राजद और जदयू के बीच जो अलगाव हुआ एक अंदरूनी सहमति से हुआ और इसमें कोई दूरगामी रणनीति है, हम उस रणनीति और अलगाव में नहीं जाते, राजनेताओं का काम है वो देखते रहे। लेकिन एक घटना जो अखबारों में आज छपी है, आप सभी जानते हैं कि बक्सर लोकसभा सीट से, यानी पूरे बिहार में लालू यादव ने जो सबसे पहला पीला लिफाफा किसी को थमाया, सबसे पहला पीला लिफाफा किसी को मिला तो सुधाकर सिंह को मिला, जगदानंद सिंह के बेटे को। और जगदानंद सिंह के लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित होते रहे ददन पहलवान बक्सर लोकसभा सीट पर, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ददन पहलवान या उनका परिवार चुनाव न लड़े तो वहां पर बक्सर में जगदानंद सिंह को या फिर राजद को हराना असंभव सी बात है, कम से कम अभी के माहौल में। जगदानंद सिंह के सामने ददन पहलवान इस बार तो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके बेटे के सामने ददन पहलवान सजा याफ्ता है, उनके बेटे करतार सिंह के चुनाव लड़ने की बात चल ही रही थी कि वो निर्दलीय उतर सकते हैं, फिर यादव मतों में बंटवारा कर फिर भाजपा का रास्ता साफ हो सकता है उससे। अब खबर आ रही है, अखबारों में भी छपा है, कि वहां पर बिहार पुलिस ने कथित तौर पर 2000 के नोटों की अदला बदली के मामले में उन्हें उन पर मुकदमा दर्ज किया है। क्या है ये पूरा मामला, चुनावी फ्रेम से क्या उनको भी किनारे लगाया जा रहा है, सुधाकर सिंह को क्या इसलिए दिल्ली भेजने की तैयारी है ताकि पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के भविष्य में फिर से गठबंधन बने तो सुधाकर सिंह दिल्ली ही रहे, पटना में बिहार में कम से कम मंत्री बनने की रेस में ना रहे। देखिए बिटवीन द लाइंस पत्रकारों को पत्रकारों का अधिकार है रीड करने का, लेकिन मैं इस चीज संदर्भ में नहीं देखता हूँ। लेकिन आप समझ सकते हैं जगदानंद का नीतीश कुमार से क्या संबंध रहा है, जगदानंद वो व्यक्ति है, जब राजद जब जेडीयू के साथ जा रही थी तो जगदानंद सिंह ने विरोध किया था, सुधाकर सिंह का नीतीश कुमार से कैसा रिलेशन है आप जानते हैं, और रिलेशन के कारण ही नीतीश कुमार ने उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया था। तो हालांकि इस खबर से सुधाकर सिंह ने राहत सांस ली होगी, और आपने देखा होगा कि राजद के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को वहां पे बक्सर में कोई कमजोर किया है तो ददन पहलवान ने किया है। ददन पहलवान लोकल नेता है, सक्रिय नेता है, और ठीक ठाक पकड़ है, लाख डेढ़ सवा लाख वोट वो सिंह लगा ही देते हैं,
और क्लोज फाइट में सवा एक सवा लाख यदि वोट सिंध लगा देते हैं तो उसका नुकसान राजद को उठाना पड़ता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, धदन पलवान सजा याफ्ता लोग हैं, उनके उनके बेटे की संभावना थी, हालांकि उनके बेटे पे आरोप है, गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इमेज को ये डेंट लगा है और संभावना अब ये कम है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह होगा। सुधाकर सिंह मजबूत नेता है, ग्राउंड पे वर्क करने वाले हैं, किसानों की आवाज है वो, और उनके पिता का एक साफ छवि रही है, उनके परिवार का साफ छवि रहा है। और जो देखिए, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल नेता यदि ग्राउंड पे एक्टिव है तो उसका फायदा मिलता है। सुधाकर सिंह बहुत ही क्लोज फाइट रहे हैं मिथिलेश तिवारी के लिए एक नकारात्मक चीज ये है कि वो बाहरी हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं। सुधाकर सिंह के लिए प्लस पॉइंट है वो लोकल हैं और एक संघर्षशील नेता की उनकी छवि रही है, ईमानदार नेता की छवि रही है, किसान मजदूरों में उनकी अपनी पैठ है। तो राजद को यहाँ मुझे लगता है कि बक्सर में जाए, राजद की उन सीटों में मानता हूँ जो जीतने की संभावना सबसे अधिक है उसमें बक्सर में है। जी बक्सर की बात आप किए, गोपालगंज की बात किए, गोपालगंज की सीट चली गई है मुकेश सहनी को, जहां के मिथिलेश तिवारी रहने वाले हैं, वो बक्सर जाके चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि गोपालगंज सुरक्षित सीट है, मिथिलेश तिवारी वहां लड़ नहीं सकते, वो बक्सर गए। गोपालगंज से, गोपालगंज की सीट महागठबंधन में चली गई है मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को, तीन सीटें गई है। और उन तीन सीटों को लेकर क्या चर्चाएं हैं गोपालगंज के बारे में आपको बता दूं, कोई एक डॉक्टर सुनील है वहां के, सर्जन है, दलित समाज से आते हैं, क्योंकि सुरक्षित सीट है तो वही लड़ भी सकते हैं। तो डॉक्टर सुनील कोई वहां के सर्जन है, कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से, अब डॉक्टर साहब हैं तो आर्थिक रूप से मजबूत है बताया जा रहा है, मतलब चुनावी खर्चा उठा सकने में सक्षम है। मुकेश सहनी को अतिरिक्त संसाधन शायद जनाधार को छोड़कर बाकी मामलों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो दो सीटें हैं, कोई एक टीवी के पत्रकार भी बताए जाते हैं कि एक सीट से है, एक सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे भी बताए जाते हैं, और एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है, कहा जा रहा है कि एक टिकट उनको मुकेश सहनी को अपनी बिरादरी से भी देना है, अन्यथा निषाद वोटों पर नकारात्मक असर पड़ेगा, उनकी नेतृत्व क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। क्या है मुकेश सहनी की राजनीति तीनों सीटों पर? बिल्कुल अभिषेक जी सही कहा, देखिए मुकेश सहनी जिस समाज की राजनीति करते हैं उनको तीन सीटें आवंटित किया गया, और जिस समाज की राजनीति करते हैं यदि तीनों सीटों में से एक सीट पे भी, एक तो रिजर्व है, दो सीटों में से एक सीट भी यदि वो चुनाव नहीं लड़ाते हैं तो एक नकारात्मक मैसेज आएगा, और जिस चीज के लिए, जिस फायदे के लिए, जिस सोशल ब्लॉक्स को क्लब करने के लिए आपने इनको महागठबंधन के फोल्ड में लिया है उसका फायदा नहीं मिलेगा, एक नकारात्मक मैसेज आएगा कि भाई आपने तीनों सीटों में, आप समाज की राजनीति करते हैं लेकिन तीनों सीटों जो है, एक तो रिजर्व है, दो सीटों आपने अन्य लोगों को दे दिया। तो संभवता है कि मोतिहारी में एक सवा लाख निषाद वोट है, मलाहों का वोट है, तो हो सकता है कि मोतिहारी पे किसी मलाह समाज के लोगों को उतारा जाए या मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़े, ये संभावना अधिक है। यदि मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं तो संभवता, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनके पुत्र आकाश सिंह संभावित प्रत्याशी है, और अखिलेश सिंह की प्रबल इच्छा है कि उनका बेटा कहीं ना कहीं चुनाव लड़े, तो वो मोतिहारी सीट हो सकता है। और एक अंडरस्टैंडिंग जो तीन सीटों की बनी है, मैंने बार बार कहा कि मुकेश सहनी को दो सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं थे लालू यादव, तो हो सकता है कि कांग्रेस की, खासकर कांग्रेस की जो राज्य स्तर की जो लीडरशिप है उनकी एक मौन सहमति रही होगी, ताकि जैसे 2019 में उपेंद्र कुशवाहा को एक अतिरिक्त सीट दिया गया था और आपको मालूम है कि उस अतिरिक्त सीट पे किसने चुनाव लड़ा था, हो सकता है कि मोतिहारी यदि, जैसा हमने कहा कि निषाद समाज का यदि व्यक्ति नहीं लड़ता है तो वह आकाश सिंह के खाते में जा सकती है। झंझारपुर की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो आप देखिए मुकेश सहनी के आसपास एक पत्रकार रहते हैं, आप सभी लोग उनसे परिचित होंगे, उनका उनका परिवार का एक बड़ा राजनीति उदाहरण रहा है बिहार में, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, एलएन मिश्रा के परिवार से संबंध रखते हैं, उनका नाम राजीव कुमार है, वो राजसभा टीवी के साथ सीईओ रहे हैं, राजीव मिश्रा राजसभा टीवी के सीईओ रहे हैं, और उनके जो मुकेश सहनी की टीम के मुख्य रणनीतिकार हैं, उनके एक तरह से समझ जाइए कि वो मतलब ब्रेन है, मतलब सॉफ्टवेयर उनको कहिए एक तरह से, राजीव मिश्रा को, तो राजीव मिश्रा संभावित
झंझारपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन झंझारपुर का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कभी भी उस परिवार के के जो शीर्ष नेता रहे हैं डॉक्टर जनार्दन मिश्रा, वो भी झंझारपुर से कभी चुनाव जीते नहीं है। तो ये समीकरण आते हैं कैसे मुकेश सहनी और राजीव मिश्रा और तमाम राजद की जो टीम है, कांग्रेस की टीम है, उस सीट को कैसे रणनीति तैयार करती है देखना होगा। और वो गोपालगंज तो रिजर्व सीट है, आपने नाम ले ही लिया डॉक्टर साहब का, हालांकि वहां मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट है वो भी डॉक्टर साहब है आलोक सुमन, और सामने से भी डॉक्टर साहब की चर्चा चल रही है। देखिए वहां गोपालगंज में मेरे हिसाब से जेडीयू मजबूत स्थिति में है, और गोपालगंज में जेडीयू के पास एक से एक नेता है, आलोक सुमन भी चुने हुए सांसद हैं। दूसरी तरफ आप देखिए उनके पास सुनील कुमार, जिस डॉक्टर सुनील कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनील कुमार जो नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, उनकी अपनी पकड़ है, उनका पारिवारिक विरासत राजनीतिक विरासत रही है, उनके बड़े सांसद भी रहे हैं, सर्वशालीन है और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ नेताओं में शुमार मैं मानता हूँ सुनील कुमार जी को। तो उनका भी एक अपना उनके परिवार का इम्पैक्ट है वहां पे, तो ये देखिए वहां रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है यदि मुकेश सहनी कोई सी मजबूत उम्मीदवार को उतारते हैं तो। जी आपने मुकेश सहनी की बात की, मुकेश सहनी का इम्पैक्ट हम लोग पहले भी और एक 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 सेकंड, गोपालगंज में कौन से ये गोपालगंज में जेडीयू के पास एक बाबा भी है जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, बाहुबली भी है, उनका भाई विधायक भी है, उस बाहुबली बाबा का बेटा जिला परिषद अध्यक्ष भी रहे, उसका भी फायदा नीतीश कुमार के कैंडिडेट को मिलेगा। जी हाँ, आप कुछ बोल रहे। कोई ब्रेकिंग खबर आपके पास है आज, क्या है वो खबर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ब्रेकिंग खबर ये है, ये राष्ट्रीय राजनीति से, मैंने ही न्यूज लॉन्चर पे ये बताया था कि अनुराधा मिश्रा अमेठी से प्रत्याशी होंगे, संभावित प्रत्याशी अभी भी बने हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की खेल अलग है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा असल प्लेयर नहीं है। देखिए कांग्रेस की ये रणनीति है कि 26 अप्रैल, वो जानकारी मेरे पास भी आई है, 26 अप्रैल तक जो वायनाड में चुनाव हो जाएंगे और 26 अप्रैल के बाद 4-3 मई तक जो है नॉमिनेशन का समय बचेगा अमेठी में। और राहुल गांधी पहली बार न्यूज लॉन्चर पर अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, ये करीब करीब तय है। और किसी भी चैनल ने ये खबर को ब्रेक नहीं किया है, सबसे पहले अभिषेक जी के प्लेटफॉर्म, अभिषेक जी के प्रोग्राम में, न्यूज लॉन्चर के प्रोग्राम में, न्यूज लॉन्चर के प्लेटफॉर्म पे ब्रेक करने जा रहा हूँ, अमेठी से राहुल गांधी ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। ये दर्शकों को मैं बताना चाह रहा था, ये बड़ी खबर है अमेठी के लिए और स्मृति ईरानी के लिए, जो स्मृति ईरानी सोच रही थी कि आसान लड़ाई होगा इस बार, और इस बार कांग्रेस बड़ी रणनीति के साथ अमेठी में जा रही है। मैं आप एक अपडेट और बता दूं, कांग्रेस ने अमेठी में संगठनात्मक बदलाव भी किया है, कई ब्लॉक अध्यक्ष को इधर से उधर किया है, नए लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है, इससे संकेत साफ है कि गांधी परिवार के ही कोई सदस्य, और राहुल गांधी दावे के साथ कह रहा हूँ राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल ये जानकारी मेरे तक भी आई थी, सूत्रों के हवाले से ही आई थी कि राहुल गांधी के कैंडिडेचर का अमेठी से ऐलान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन में ही आपस में केरल में चुनावी संघर्ष है, एलडीएफ और यूडीएफ, एलडीएफ यानी लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और उसके उसकी वहां राज्य में सरकार है, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है, और उन विजयन साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस वायनाड छोड़ देंगे, तो वायनाड में तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत वहां पर यूडीएफ के बाकी सीटों पर पड़ सकता है कि राहुल गांधी चले ही जाएंगे अमेठी तो क्या होगा। इस वजह से संभावना जताई जा रही है कि 26 तारीख को ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है अमेठी वाले फेज में, पांचवें फेज में जिसमें अमेठी की सीट आती है, तो 26 को पोलिंग हो जाएगी, 27, 28, 29 किसी भी दिन वो नॉमिनेशन कर सकते हैं, ऐसी चर्चा मैंने भी सुनी है, ये कारण है। खैर अमेठी से आगे बढ़कर बिहार से जुड़ी हुई ये दूसरी खबर है, कन्हैया कुमार की दावेदारी कहां फंसी है, ये हमारे दर्शक जानने को बड़े उत्सुक है। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दो लोगों में सभी उत्सुक रहते हैं। कन्हैया कुमार, एक लेटेस्ट खबर ये बता दूं, कन्हैया कुमार का करीब करीब टिकट तय है मनोज तिवारी के विरुद्ध, कन्हैया कुमार को कांग्रेस उतारने जा रही है, बड़ा रोचक मुकाबला आपको देखने को होगा। और अभिषेक जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम दोनों चलेंगे उस चुनावी गामा गामी को दर्शकों को दिखाने के लिए, ग्राउंड पे चलेंगे हम लोग,
और बड़ा मतलब करीब करीब जो 3 सीटें जो कांग्रेस के खाते में गई है उसमें मैं आपको दर्शकों को बता दूं थोड़ा, बिहार से इधर संदीप दीक्षित या जेपी अग्रवाल चांदनी चौक से, उदित राज का टिकट कंफर्म है, उदित राज को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहमति दे दी है, उदित राज को कांग्रेस चुनाव लड़ाने जा रही है, और तीसरा कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के विरुद्ध कांग्रेस उतारने जा रही है। बड़ा रोचक मुकाबला होगा इस बार दिल्ली में जो देखिए बिहारी की लड़ाई वहां कही जा रही थी, नेहा सिंह राठौर और कन्हैया कुमार में से एक को चुनने की बात कही जा रही थी। तो जैसा ऋषि मिश्रा जी बता रहे हैं कन्हैया कुमार नेहा सिंह राठौर पर भारी पड़े हैं, और भोजपुरी बनाम भोजपुरी गायक बनाम भोजपुरी लोक गायक ये मुकाबला संभवतः नहीं होने जा रहा है। कन्हैया कुमार फ्रंट बने हुए, हालांकि औपचारिक ऐलान जब हालांकि नेहा सिंह राठौर ने मनोज तिवारी को बड़ा बहुत बेहतरीन बातें उस कवित्री ने कही थी कि मनोज तिवारी वो नेता है, वो गायक है, उन्होंने भोजपुरी के अस्मिता के इतने बड़े नेता बने। अब बात तो बिल्कुल सही है, लहंगा उठा के फटाफट खोल के दिखा, और ऐसे लोग उस पार्टी में है। नहीं मैं एक लाइन का खत्म कर रहा हूँ, ऐसे लोग उस पार्टी में हैं जो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी खैर वो अलग बात है, पवन सिंह के लिए भाजपा में अलग कानून है और रवि किशन शुक्ला और मनोज तिवारी के लिए अलग कानून है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी यहाँ संभव है। खैर राजनीति में सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन इस तरह के अश्लीलता फैलाने वाले लोगों से राजनीतिक दलों को दूर रहना चाहिए ये जरूर है। हालांकि आज के जमाने में नैतिकता की बात कौन करता है, परवाह कौन करता है। बात घूम फिर करके आ रही है सबसे ज्यादा बिहार के बाहर, जिन लोगों को बिहार में दिलचस्पी है स्वाभाविक है, पप्पू यादव की सीट पर। हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं कि नया कुछ बचा ही नहीं है चर्चा करने के लिए। पप्पू यादव मजबूत चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, फ्रंट रनर है, बात सही है जी। एक लेटेस्ट खबर ये बता दो दर्शकों, वैशाली में टिकट करीब करीब क्लियर हो गया है। कल शायद शाम में मुन्ना शुक्ला को सिंबल भी दे दिया गया है, यानी वैशाली में बीना देवी वर्सेस मुन्ना शुक्ला परिवार, और ये मुजफ्फरपुर वैशाली के राजनीति में दिनेश सिंह वर्सेस मुन्ना शुक्ला की राजनीति का चर्चा बहुत दिनों से चर्चा था कि वैशाली में दिनेश सिंह का परिवार वर्सेज मुन्ना शुक्ला चुनावी फिजा हो सकती है, और बड़ा रोच होगा वैशाली में इस बार चुनाव, क्योंकि दोनों बाहुबली हैं, दोनों के पास संसाधन की कमी नहीं है, और दोनों जो है वैशाली के नस नस को समझते हैं। तो वैशाली भी उन सीटों में हो गए बिहार की होगी जहां इस बार जो चुनाव बड़ा रोचक आपको देखने को मिलेगा जी। जहां तक पप्पू यादव की बात है, पप्पू यादव वर्तमान स्थिति में एज है पप्पू यादव को, लेकिन संतोष कुशवाहा से कांटे की टक्कर मिल रही है। मैंने पहले भी कहा विगत 10 साल के कार्यकाल में संतोष कुशवाहा ने पिछड़ों के लिए काफी काम किया है, प्लस उनके साथ एनडीए का वोट बैंक है। लेकिन पप्पू यादव के लिए पक्ष में ये बात है कि AIMIM का कैंडिडेट हुआ नहीं है, जो एक खतरा था कि माइनॉरिटी वोटों में डिविजन होगा। अब माइनॉरिटी वोट का झुकाव जनरली जो है पप्पू यादव की तरफ होगा। हालांकि एक एंगल बीमा भारती का भी है, लेकिन मैं स्पष्ट कह दूं मेरा पर्सनल मामला मानना है कि बीमा भारती का जो समाज का गंतोई क्या बोलते हैं उसको मैं भूल जाता हूँ, तो उस समाज का जो वोट है वो गंगोता जो है वो पहले जो जेडीयू को मिलता था उसमें डिविजन होता है, तो जेडीयू कैंडिडेट को नुकसान होगा। ओवरऑल आप पप्पू यादव के नॉमिनेशन से अंदाज लगा सकते हैं, जिस प्रकार से जन सलाह वहां उतरा है पप्पू यादव के पक्ष में, पप्पू यादव वर्तमान में पप्पू यादव को एज है। नरेंद्र मोदी उतरते हैं चुनावी फिजा में, पूर्णिया में प्रचार करने जाते हैं नहीं जाते हैं, तो पूरे देश में दो ही लोगों की है, और संयोग से दोनों में से कोई दलीय प्रत्याशी नहीं है, दोनों निर्दलीय है, एक पूर्णिया में पप्पू यादव और एक राजस्थान के सुदूरवर्ती पश्चिमी इलाके में एक निर्दलीय उम्मीदवार की चर्चा है नॉमिनेशन की। पूरे देश में जो जनसभा मिला है राजस्थान में, अब जी रविंद्र भाटी है जी, रविंद्र भाटी है उनको जैसलमेर जी। हम बिहार सेंट्रिक चर्चा आज कर रहे हैं, जैसलमेर की सीट की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिहार में 2-3 चीजें मैंने सुनी है, आज मेरी बात हो रही थी शिवहर संसदीय क्षेत्र में। बिहार के बाहर लोगों में लवली आनंद को लेकर काफी है कि लवली आनंद को जो सीट दी गई है
उस सीट पर आखिर टक्कर में कौन आ रहा है। टक्कर में कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फैसल अली एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। रितु जायसवाल क्षेत्र में घूम रही है, और जमीनी हकीकत की यदि हम बात करें तो जमीन पर लवली आनंद से राजपूत मतदाता भी बहुत खुश नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन उस सीट को चित्तौड़गढ़ कहा जाता रहा है पहले, और सिर्फ एक ही बात लवली आनंद के पक्ष में जाती है कि राजपूत मतदाताओं के अंदर है कि चलो पसंद तो नहीं है कैंडिडेट बहुत ज्यादा, लेकिन सीट इस बार राजपूत को मिलनी चाहिए, लिहाजा वहां पर लवली आनंद को चुनाव जिताना उनकी मजबूरी है। ब्राह्मण मतदाता भी लवली आनंद से खुश नहीं है, लेकिन वो भी अपर कास्ट जिताना चाहते हैं। नीतीश कुमार के वोटर भी जो है उनको लग रहा है कि नहीं, कैंडिडेट कैसा भी हो लेकिन नीतीश कुमार की नाक का सवाल है, इस सीट को लड़कर हासिल किया है, तो उनके अति पिछड़ा वोटर और कुर्मी वोटर के बीच भी, कुशवाहा वोटर के बीच भी एक भावना है कि उसको चुनाव जिताना है। महादलित वोटर के बीच भी एक परिस्थितियां है कि लवली आनंद को चुनाव जिताना है, वो परिस्थितियां काम कर रही है। यानी लवली आनंद कोई फर्स्ट च्वाइस वोटर के बीच में दिख नहीं रही है। रितु जायसवाल के पक्ष में जो बात जाती है कि रितु जायसवाल की एक अपनी यूएसपी है, लेकिन रितु जायसवाल वहां के सामाजिक समीकरणों में मात खाती हुई दिख रही है, इसलिए राजद ने अब तक उनके कैंडिडेटर का ऐलान नहीं किया। देवेश चंद्र ठाकुर का कैंपेन चल रहा है सीतामढ़ी में, कैंडिडेट का आता पता नहीं है। मोतिहारी में राधा मोहन सिंह का चल रहा है कैंपेन, कैंडिडेट का आता पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर कैंडिडेट का भी आता पता नहीं है। क्या चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल में कि अब भी जब अलायंस फाइनल शेप ले चुका, क्या अभी एक दो सीटों में राजद कांग्रेस में हेर फेर होगा क्या, जिस वजह से रोका गया है? इतने दिनों तक रोकने का एक कारण तो समझ में आया कि मुकेश सहनी की वजह से रोका गया, अब क्यों रोका गया है? देखिए हम आप मुझे लगता है कि अधिक समय राजद नहीं लगाएगी, क्योंकि देखिए बात बिल्कुल सही कहा आपने, देवेश ठाकुर को सीतामढ़ी की बात करें, देवेश ठाकुर सघन प्रचार अभियान चला रहे हैं, हर दिन 15-20 गांव में वो प्रचार करने जा रहे हैं, सघन अभियान जाते वो उनका एक सूची निकलता है कि आज कहाँ कहाँ जाना है, तो इसका नुकसान महागठबंधन के प्रत्याशी को होगा जितना वो देरी करेंगे, क्योंकि बहुत कम स्पेस मिलेगा प्रचार करने के लिए, और लोकसभा चुनाव में बड़ा स्पेस कवर करना होता है आपको, 6-7 विधानसभा को कवर करना पड़ता है, तो ये इस चीज को समझना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग बन गई है कौन कहाँ करेगा, प्रत्याशियों की भी सूची तैयार है। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि हर कंड जो जहां सिंबल अभी जारी नहीं हुई है, कंडीडेट पीला लिफाफा अब राजद देने को तैयार है, सूची एक तरह से तय है। सिवान में मेरे हिसाब से आपने सही कहा, लवली आनंद कई बार चुनाव लड़ी भी है, कभी हम के सिंबल पे, कभी कांग्रेस के सिंबल पे, चौथे नंबर तीसरे नंबर की का पोजिशन उनका रहा है, राजपूतों की नाराजगी उनसे है, लेकिन कई वर्षों बाद आनंद मोहन जेल से छूटे हैं, एक उनका इमोशनल कनेक्शन है अपने समाज में, उनके कारण हो सकता है कि जो पूरा फॉरवर्ड का कहीं ना कहीं टर्नआउट हो। मेरे हिसाब से राजपूत समाज के तुलना में यदि वहां किसी वैश्य को, खासकर जो तेली समाज से आते हैं, उनको अभी उम्मीदवार बनाया जाता है, तो एनडीए के एक भाग, एक कोर भाग को आप डिविजन करने में सफल होंगे, प्लस आपका एमओआई होगा, तो एमओआई के साथ साथ यदि क्या कहते हैं वैश्य यानी वी जुड़ जाती है तो एक बड़ा सामाजिक समीकरण होगा। हालांकि अभी तक संभावना यह है या तो रितु जायसवाल या किसी राजपूत समुदाय से आने वाले तेज तरार नेता, एक पत्रकार का भी नाम चल रहा है, मैं आज भी स्पष्ट कर दूं, वो पत्रकार आज भी गंभीर उनकी उम्मीदवारी बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, क्या उस नए ऊर्जावान पत्रकार को चुनाव लड़ाया जाए या किसी मजबूरी राजनेता। मोतिहारी बेतिया, मोतिहारी में तो बता दिया मैंने आपको, मोतिहारी में या तो निषाद समाज से आने वाले मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे या आकाश के लिए सीट सुरक्षित है, और ये कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग भी है राजद कांग्रेस और वीआईपी के बीच में। बेतिया में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, बेतिया कांग्रेस के खाते में, ये क्लियर है। वहां मेरे हिसाब से, मेरे टीम के हिसाब से, मेरे जो टीम वहां पे ग्राउंड पे वर्क की है, वहां का जो सर्वे है, शाश्वत केदार पांडे जो युवा है, पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं, पूर्व रेल मंत्री के पोते हैं, उनके पिता डॉक्टर मनोज पांडे भी वहां से सांसद रहे हैं, उनको वहां से टिकट दिया जाता है, तो पार्टी का प्रोस्पेक्टिव बहुत पॉजिटिव रहेगा। और मैंने वहां के कई लोगों से बात की है, अलग समाज अलग अलग जाति के जो नेता वहां पे एक्टिव हैं, सामाजिक जो कार्यकर्ता एक्टिव हैं, इस परिवार का एक अपना इन्फ्लुएंस है, और ये जो लड़का है शाश्वत केदार पांडे, यंग लड़का है,
उन्होंने विगत 5 सालों में, हालांकि पिछले बार वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़े थे, लेकिन बेतिया उनका जिला मुख्य है, बेतिया से उनके पिताजी कई बार रिप्रेजेंट किए हैं, उनके बाबा ने सांसद रहे, तो उनके परिवार का प्रभाव हुआ, वो लड़का एक्टिव भी रहा है। यदि उनको टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं संजय जायसवाल इस ख्वाब में है कि इस बार आसानी से जीत जाएंगे, उनकी राह कठिन हो जाएगी। जी एक आखिरी सवाल, कैंडिडेट सीट सबकी बात को हम यही छोड़ते हैं, आखिरी सवाल संक्षेप में इसका जवाब ऋषि जी चाहेंगे आपसे, बिहार की जनता क्या एक बार फिर से पुराने समीकरणों की राजनीति पर, इक्वेशनल पॉलिटिक्स पर वापस लौट गई है? देखिए एक बात तो आपको मानना होगा अभिषेक जी कि लालू यादव ने, खासकर लालू यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग, जो उनकी जो एक फिक्स फॉर्मेट था कि MY को साधते हुए वो टिकट देते थे, टिकट ये देते थे, अधिक से अधिक यादवों को टिकट देते थे, मुसलमानों को टिकट देते थे, जैसे आपने अभी जस्ट चर्चा किया कि सीवर से फैजल अली को कभी टिकट नहीं मिले, फैजल अली को कभी टिकट नहीं मिलेगा। अब मैं आपको अभी बता दूं, अररिया में नॉन मुस्लिम कैंडिडेट पर विचार कर रही है राजा, आप समझ लीजिए, क्योंकि जो राजनीतिक माहौल है, ध्रुवीकरण का जो माहौल है, हिंदू और मुस्लिम के जो चुनावी फिजा बीजेपी पर भरा देती है, उससे लालू यादव बचना चाहते हैं। और लालू यादव ने सामाजिक समीकरण साधा है, कितना सफल होते हैं ये भविष्य तय करेगा, लेकिन जो सामाजिक समीकरण उन्होंने साधने का प्रयास किए हैं, यदि वो सफल होते हैं तो बड़ा एक सोशल इंजीनियरिंग का आपको बिहार में देखने को, आगे के राजनीति में भी देखने को मिलेगा, विधानसभा में देखने को मिलेगा। औरंगाबाद में देखिए, जो राजपूतों का एक चित्तौड़गढ़ आ जाता है, वहां उन्होंने कुशवाहा को दिया है, नवादा भूमिहार सीट के लिए जाया जाता है, वहां भी उन्होंने कुशवाहा को दिया है, मोतिहारी में भी साथी मुकेश सहनी को उन्होंने एड ऑन किया, 3 सीटों की कुर्बानी दी है, 26 में से अपने कोटे से उन्होंने कुर्बानी दी है, तो कहीं ना कहीं सोशल ब्लॉक्स को एड ऑन करने का प्रयास किया है उन्होंने। वो सोशल ब्लॉक्स कितना क्लब होता है, कितना ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं का दिल में हाथ तो मिलते हुए दिख रहा है, दिल कितना मिलता है, मैथमेटिक्स सही है, केमिस्ट्री कितना सही है, ये तमाम ये डिपेंड कर चुनावी फिजा पे, चुनावी नतीजे पे, तो इन तमाम चीजों पे, तमाम जो गठबंधन के नेता है, पार्टी कार्यकर्ता है, क्या बिहार में देखिए इस बार 2019 में जिस प्रकार से करंट थी मोदी के लिए, वो करंट नहीं, मोदी के विरुद्ध नकारात्मक वोट भी नहीं है, निगेटिव वोट भी नहीं है, लेकिन मोदी के फेवर में कोई वेव भी नहीं है। यही कारण है कि आज महागठबंधन बिहार में 15 से 20 सीटों पे डायरेक्ट फाइट में है, उसमें से 12-13 से सीट तो ऐसी है कि महागठबंधन जीतने जा रही है, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ। जैसे अब मैं आपको बताऊं, आप गोपालगंज न देके मुकेश सहनी को आप दरभंगा दे देते, झंझारपुर न देके दरभंगा दे देते, गोपालगंज न देके खगड़िया दे देते, या मुजफ्फरपुर दे देते, सीट सॉलिड निकलता। तो आपने दे दिया झंझारपुर, जहां उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति को के समाज का फायदा उठाना चाहते हैं, उस व्यक्ति का आधार ही नहीं हुआ। मोतिहारी में 1.25 लाख वोट है, वो कितना टर्नआउट कर पाते हैं? तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं पप्पू यादव यदि महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होते तो सॉलिड सीट निकलती। तो तमाम ऐसे चीजें हैं जो कमियां इंडिया गठबंधन में देखने को मिला है, एक कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए। अभी तक हालांकि जमुई में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी साथ प्रचार करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के रैली के बाद क्या फिजा कितना बदलता है ये देखने को होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए लड़ाई में है, जो 40 और एक पाली जो फिजा थी 2019 की, वो कम से कम नहीं है। और मैं 2 सेकंड और लूंगा, बिहार में भी ऐसी स्थिति है, राजस्थान में भी 10 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस नेक टू नेक फाइट में चुनाव जीत भी सकती है, मध्य प्रदेश में भी 5-6 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस फाइट में है, नरेंद्र सिंह तोमर वाली सीट पे कांग्रेस फाइट में है, तो कहां पे ऐसी सीट है। तो इस बार जो टैली जो है, और मेरे एक बड़े विद्वान मित्र हैं जो चुनावी एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक तो आंकड़ा दिया, मैं आपको भेजने जा रहा हूं, 215 से 220 सीटें इस बार बीजेपी को आई है, उससे अधिक नहीं। यदि यदि ये आंकड़ा होता है, देखिए यदि ये आंकड़ा होता है तो बीजेपी में इंटरनल संघर्ष हो जाएगा। मैं बता दूं आपसे जी, न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो फिजा है, जो सियासन है बीजेपी में,
वो डोलती हुई नजर आएगी 4 तारीख को। दी है यही आंकड़ा 2015 जो मैंने, जो हमारे मित्र ने दिया है 215-220 का, और मैं उससे कुछ हद तक सहमत भी हूँ। 4 जून को सब कुछ पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी 215 लाते हैं कि 250 लाते हैं कि 180 पर रुक जाते हैं। इसके लिए हम 4 जून की तारीख को छोड़ते हैं, हमारा काम है विश्लेषण करना, उस विश्लेषण के बीच में जो आंकड़े आपने दिए वो भी आए। हाँ, एक बात जरूर है कि बिहार में 39-1 की परिस्थिति नहीं है, हिना साहब अलग मैदान में है, वो अलग ताल ठोक रही है, उधर पप्पू यादव अलग ताल ठोक रहे हैं, और इन सब के बीच बिहार की सियासत में जब 2 सीटों पर निर्दलीय ही बढ़त बनाने की स्थिति में है, महागठबंधन बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ रहा है, तो इन सारी लड़ाई के बीच जिस प्रकार का खेल कोऑर्डिनेशन के लेवल पर खेलने की कथित कोशिशें हो रही है, वो कोऑर्डिनेशन का अभाव एनडीए में है या इंडिया में है, यदि किसमें कम है या किसमें ज्यादा है, इन सब का पता कम से कम पहले चरण के चुनाव में लग ही जाएगा। याद रखिए, पहले चरण में नीतीश कुमार का कुछ भी दांव पर नहीं है। पहले चरण में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के बहनोई और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, यानी 4 परिवारवादी चेहरों का चेहरे दांव पर है, और मोटे तौर पर कहें तो नरेंद्र मोदी का चेहरा दांव पर है। अब किस प्रकार से चुनाव में जनता रिएक्ट करती है अपने वोटों के माध्यम से, किस प्रकार से मौसम, गर्मी, लू, हीट वेव, ये सारी चीजें इस चुनाव को प्रभावित करते हुए दिखते हैं, और ओवरऑल इस चुनाव पर इसका परिणाम क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक बात जरूर है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट का ऐलान लगभग आधी सीटों पर रुके होने की वजह से बहुत कुछ तैयारियों में जोश दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये रणनीतिक तौर पर रोक के रखा गया है कि वोटर को ही एक तरह से चुनाव के प्रति उदासीन बना दिया जाए और फिर सरप्राइज एलिमेंट की तरह कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए, ये भी एक रणनीति हो सकती है, लेकिन फाइनली रणनीति क्या है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जाने, वो मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकेश सहनी जाने, वो लेफ्ट के लोग जाने, हमारा काम उनका विश्लेषण करना है, और इस विश्लेषण में साफ दिखाई देता है कि परिस्थितियां 2019 जैसी नहीं है। इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए, और वो टीवी पत्रकार जो लोकसभा चुनाव बिहार में इंडिया गठबंधन के टिकट पर लड़ने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, उनके नाम का खुलासा, राजीव मिश्रा के नाम का खुलासा करने के लिए ऋषि मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।